कोरोना ने देखते ही देखते पूरे देश में दहशत फैला दी है, लिहाजा इसको फैलने से रोकने के लिए कड़े कदम उठाने पड़े रहे हैं। होली मिलन कार्यक्रमों से दूर रहना जागरूकता फैलाने का एक कदम है जो कोरोना वायरस से सीधी लड़ाई में मददगार हो सकता है। चीन से दबे पांव कोरोना दुनिया के कई मुल्कों में पहुंचा है। शुरुआती कुछ हफ्तों तक भारत ने कोरोना को बाउंड्री पार रोक कर रखा। शुरुआत में केरल में 3 कोरोना मरीज सामने आए तो उन्हें भी जल्द स्वस्थ कर लिया गया, लेकिन कोरोना एक जिद्दी और खतरनाक वायरस है। मौजूदा वक्त में कोरोना के मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं। इनमें से 16 इटली के नागरिक हैं जो बतौर सैलानी भारत आए हैं। एक मरीज इटली के इन सैलानियों का ड्राइवर भी है जो भारतीय है। इनके अलावा इटली से लौटे दिल्ली के व्यापारी तो कोरोना से पीड़ित हैं। उनके 6 रिश्तेदारों की भी कोरोना से पीड़ित होने की पुष्टि हो गई है, जबकि तेलंगाना में दुबई से लौटे कोरोना मरीज का इलाज हो रहा है। एक व्यक्ति को बुखार हुआ जयपुर में, उसको इन्वेस्टिगेट किया, वो पॉजिटिव आया तो हमने उसके ग्रुप के सारे लोगों को आइसोलेट करके IDPP कैंप में तुरंत शिफ्ट कर दिया। वहाँ शिफ्ट करने के बाद जब उनकी टेस्टिंग कराई तो उसमें से 14 लोग जो है वो पॉजिटिव आए, प्लस 1 इंडियन जो उसको ग्रुप को चलाने वाला ड्राइवर था। कोरोना से लड़ने के लिए गंभीर तैयारियों और मजबूत इच्छा शक्ति की जरूरत है, इसीलिए दूसरे फ्लू जैसे लक्षणों वाले कोरोना से बचने के लिए छोटे छोटे उपायों को अपनाने की सलाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मेडिकल से जुड़े लोग दे रहे हैं। बड़े नेताओं का होली मिलन से दूर रहने का फैसला उनके समर्थकों को मायूस जरूर कर सकता है, होली की सारी तैयारियों पर पानी फेर सकता है, होली के बाजार को फीका कर सकता है, लेकिन कहते हैं ना कि जान है तो जहान है। लार्ज गैदरिंग्स को अवॉइड करें तो बेटर रहेगा। अगर आप अपनी फैमिली के साथ होली खेलना चाहते हैं या अपने फ्रेंड्स के साथ जो जिन्हें आप जानते हैं और जो स्वस्थ हैं उनके साथ आप जरूर होली खेल सकते हैं, लेकिन अदरवाइज सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए 3 फीट का। प्लीज़ बहुत बड़े बड़े समारोह में मत जाइए। इट इज़ बेटर कि हम भीड़ भाड़ के इलाकों को अवॉइड करें। होली के त्यौहार में अब 1 हफ्ते से भी कम का वक्त बचा है, ऐसे में कोरोना के खतरे को लेकर जागरूकता फैलाना एक चुनौती भरा काम है। बुधवार को कई सांसद कोरोना पर अलर्ट होने की तस्वीर पेश करते नजर आए। बीजेपी सांसद KJ अल्फोंस सैनिटाइजर लेकर संसद पहुंचे। महाराष्ट्र के अमरावती से सांसद नवनीत राणा संसद में मास्क पहनकर आईं। हैंडशेक करने तो हमारा हाथ में जो कुछ वायरस है वो तो दूसरा को मिलेगा, दूसरा से शेक करने तो हमको भी मिलेगा, इसलिए तो नमस्ते कर दो, ये सबसे अच्छा भारतीय ट्रेडिशन है वो कर दो। दूसरा है हम कोई सरफेस में पकड़ने तो टच करने तो उसके बाद हम दो ये सैनिटाइजर हैं, ये तो एक ड्रॉप डालो बस हाथ में, बस एक ड्रॉप डालना है और उसको ड्रॉप कर दो ठीक से, ठीक है बस। तो मुझे लगता है मास्क ढूंढने में जो दिक्कत आज मुझे गई है, आधा घंटा सिर्फ ये मास्क ढूंढने में लगा है, क्योंकि ये 3-2.5 लेयर वाला N95 बोलते हैं इसे, और ये ढूंढने के लिए अगर मुझे आधा घंटा लगता है। और इसका पीछे का कारण ये है कि चाइना को पूरा मास्क एक्सपोर्ट हो गया, और हमारे देश को अगर ज़रूरत पड़ेगी, अर्जेंट समय ज़रूरत है, तो हमारे लिए प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है उसकी बात करना बहुत जरूरी है। कोरोना के मद्देनजर राज्य सरकारें भी अलर्ट पर हैं। यूपी सरकार ने 23 सदस्यों की कमेटी बनाई है, तो दिल्ली सरकार ने भी टास्क फोर्स का गठन किया है जिसके अध्यक्ष खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। हर डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी तय की गई है और ये स्टेट लेवल टास्क फोर्स जो है ये बहुत जल्दी जल्दी मिलेगी और सबकी जवाबदेही तय करेगी कि किसने क्या क्या काम किया। मैं उम्मीद करता हूं कि दिल्ली की जनता ने जिस तरह से डेंगू पे हम लोगों ने कंट्रोल पाया था, इसी तरह से इस खतरनाक बीमारी पे भी हम सब लोग मिलके जरूर कंट्रोल पाएंगे। कोरोना के खिलाफ मिलकर लड़ने की जरूरत को सभी समझ चुके हैं। होली मिलन पर कोरोना बैरियर बनकर आ खड़ा हुआ है। होली हम भले उत्साह से ना मना पाए, लेकिन ये होली कोरोना को हराने की इच्छा शक्ति का संदेश जरूर दे सकती है। दिल्ली से पूजा शाली के साथ आज तक ब्यूरो।